नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपिका शर्मा। अब नजर डालते हैं टॉप खबरों पर और देखते हैं टॉप न्यूज। इतिहास में 22 मई के दिन पर बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। भारत की बचेंद्री पाल 22 मई के ही दिन दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर पहुंची थी और यह कारनामा अंजाम देने वाली वह देश की पहली महिला पर्वतारोही है। पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इसी साल बचेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश और दुनिया के इतिहास में 22 मई की तारीख पर दर्ज देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। पंद्रह में एक विस्फोट में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। 1540 में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य को अपने हाथों में लिया और सूर्य साम्राज्य की स्थापना की। 1772 में आज ही के दिन राजा राममोहन राय का जन्म हुआ। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन 1936 में लॉर्ड ब्रेबोर्न ने बम्बई, जिसको अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं, ब्रेबोर्न स्टेडियम की नींव रखी। यह देश का पहला स्टेडियम था। 1960 में आज ही के दिन यानी 22 मई को चिली के दक्षिणी तट पर आए सबसे बड़े भूकंपों में से एक भूकंप में 5,700 लोगों की मौत हो गई और इससे समुद्र में उठी उग्र लहरों ने सुदूर प्रशांत इलाकों जैसे जापान और हवाई तक में तबाही मचाई। 1963 में आज ही के दिन भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी। 1972 में पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया। 1972 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन मास्को पहुंचे। यह एक अमेरिकी राष्ट्रपति की सोवियत संघ की पहली यात्रा थी। 1984 में आज ही के दिन यानी 22 मई को बचेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1988 में आज के दिन भारत ने स्वदेश में ही विकसित अंतर महाद्वीपीय बालिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण किया। 1990 में उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का उदय हुआ। 2003 में आज के दिन अल्जीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में 2000 से अधिक लोग मारे गए। 2008 में आज ही के दिन यानी 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ की 47वीं सदस्यीय मानवाधिकार समिति ने पाकिस्तान को शामिल किया।